पटना और मुजफ्फरपुर का फासला इतना ज़्यादा होगा कि मासूमों की मौत पर भी अगैरत नहीं जाएगी कि इस फासले को लांघा जाए। भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। नेताओं मासूमों की मौत पर क्या क्या किया है, यह सोचकर ही डर लगता है कि कैसे भरोसा करे सरकार पर, उसके दावों पर और उसके इंतजामों पर। सब कुछ तो फेल होता नज़र आ रहा है। मुजफ्फरपुर के SKMCH में बच्चे चमकी बुखार की चपेट में हैं। 100 से ज़्यादा बच्चों ने दम तोड़ दिया है। सरकार देर से जागी है, कुछ अब भी सोए हैं, कुछ जाग भी रहे हैं, तो सवाल उनकी संवेदना पर खड़े हो जाते हैं। अस्पताल में बच्चे सीरियस हैं, इसको सियासत कितनी सीरियसली लेती है इसका अंदाज़ा बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक के उस बयान से लगा लीजिए, जिसमें उन्होंने CM नीतीश कुमार के मुजफ्फरपुर नहीं पहुंचने पर कहा कि उनका मुजफ्फरपुर आना ज़रूरी नहीं है। तर्क यह था कि इंतज़ाम ज़रूरी है। मंत्री जी फिर यह नहीं बता सके कि आखिर उनके सरकार के मंत्री मंगल पांडे, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को देर से ही लेकिन मुजफ्फरपुर क्यों आना पड़ा। CM का आना ज़रूरी नहीं था तो फिर इन मंत्रियों का आना क्यों ज़रूरी था। मासूमों की लाश देखकर भी कलेजा नहीं पसीजता। बंद इज़ामी बच्चों की जान ले रही है, लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं CM का आना ज़रूरी नहीं है। अपने बच्चों की मौत पर जो आंखें आज पथरा गई हैं, जिन आंखों में अब बहाने के लिए आंसू भी नहीं बचे हैं, उन आंखों में सब की तस्वीरें कैद हैं। नहीं भूलेंगे वो लोग कि मासूमों की मौत पर सियासत ने उनके साथ क्या सलूक किया है। मंत्री जी बेतुका बयान दे रहे हैं, दूसरे मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सो जाते हैं, CM साहब मुजफ्फरपुर नहीं पहुँचते, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की राजनीतिक अज्ञातवास खत्म नहीं होती। यह सलूक याद रखेंगे लोग। पूछा जाएगा यह सवाल कि जब बच्चे मर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे। यहाँ पढ़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सोल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, BP जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ECG करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं, साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। Sort Care App, solution at your fingertips.